हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो जनरली बहुत सारे लोग जब डिग्रीज हासिल करते हैं उसके बाद जॉब ढूंढते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा ढूंढते हैं कि बड़ी कॉरपोरेट और बड़ी रेप्यूटेड कंपनी चाहिए, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कोई छोटी कंपनी भी मिल जाए अगर बड़ी ना मिले तो। लेकिन एक सवाल रहता है जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि जब आप जॉब ढूंढ रहे हो तो क्या एक बड़ी कॉरपोरेट में जॉब करना चाहिए या एक स्मॉल और मीडियम कंपनी में काम करना चाहिए। तो दोनों ही जो जॉब्स रहते हैं उसके अपने अपने फ़ायदे और उसके अपने अपने जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि कॉरपोरेट्स में जनरली आपको ग्रोथ के चांसेस रहते हैं बहुत, और एक अच्छा स्टेटस का आपको जॉब मिलता है और धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। और कंपैरेटिवली जब आप एक स्मॉल या मीडियम बिजनेस में जाते हैं तो आपको एक जो उतना स्टेटस नहीं मिलता, आपको काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं और मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ती है। तो इसमें आपको दोनों में जो ग्रोथ का चांस होता है जो स्मॉल में थोड़ा सा कम होता है। अब दूसरी जगह देखें तो जैसे एक स्मॉल बिजनेस होता है उसमें अगर आप जॉब करते हो तो उसमें आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपको जनरली पूरा के पूरा बिजनेस आपके सामने होता है, उसका जो ऑपरेशंस आपके सामने होता है, वो किस तरह से बढ़ रहा है वो आपके सामने होता है। तो लर्निंग मोड के हिसाब से एक स्मॉल और मीडियम बिजनेस में आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दूसरी जगह कॉरपोरेट्स और बिग कंपनीज में आप जब जॉब करते हैं तो एक बड़ी सी मशीन का एक छोटा सा आप एक पार्ट होते हैं, तो आप हमेशा वो बस उतना ही काम करते जाते हैं और आपको पूरी वो मशीन कैसे चल रही है और उसका कैसे उसमें इतना बड़ी मशीन वो बनी एक छोटे से मशीन से, ये आप कभी नहीं सीख पाते हैं। मतलब आप बहुत जगह पढ़ के तो सीख सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट हैंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है वो आपको एक स्मॉल और मीडियम बिजनेस से देगा। अब साथ में दूसरी भी एक बात है कि बहुत सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस होते हैं उनकी अगर उसमें आप अगर जॉब देख रहे हैं तो उसके विजन क्या है, उनके जो बिजनेस के ओनर्स है या जो भी उनके प्रमोटर्स है उनकी विजन क्या है। बहुत सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सोचते हैं कि ठीक है हमने जितना किया है उतने में ही वो रहते हैं, तो वैसे बिजनेसेस में जनरली जो ग्रोथ की चांसेस कम होती है। लेकिन आजकल काफ़ी सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो चाहते हैं कि ग्रोथ हो और उनके बिजनेस को एक नए लेवल तक लेके जाए ताकि वो भी एक दिन आगे जाके कोई कॉरपोरेट्स का मुकाबला कर पाए। तो ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं स्पेशली इसके अंदर अगर आप जॉब करते हैं और आप एक छोटे से जॉब से भी जॉइंट होते हैं तो आपका ग्रोथ का भी चांस अच्छा है, क्योंकि जो बिजनेसेस है ये भी बहुत मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ करना चाहते हैं खुद, और जैसे उस बिजनेस की ग्रोथ होती है तो एज अ आपको जॉब भी आपको जनरली आपको ही प्रमोट करते करते वो एक बहुत जल्दी एक जो कॉरपोरेट भी आपको लेकर जाएगी उससे भी काफ़ी जल्दी आप एक अपर लेवल पर पहुँच जाते हैं, और साथ ही आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है कि सारे की सारी चीज़ों का। हो सकता है कि वो सैलरी थोड़ी आपको कम होगी कंपेयर टू कॉरपोरेट्स, लेकिन जो ग्रोथ रेट होगा, होता है कि कॉरपोरेट्स में आपको साल में एक बार बढ़ रहा है, इसमें अगर जैसे जैसे कंपनी अगर ग्रोथ बढ़ते जाती है फास्ट तो आपका ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट होगा। तो ऐसा देखा जाए तो अगर आप सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज देखें तो कॉरपोरेट अच्छा है, क्योंकि पता है कि कंपनी अगर लॉस भी करे तो आपकी सैलरी आने वाली है और आपकी जॉब सिक्योर है, जो कंपैरेटिवली स्मॉल बिजनेसेस में नहीं होती है। तो आपका चॉइस है ये, जैसा जनरली लोग सोचते हैं कि जॉब और बिजनेस में क्या करना है वैसे उसी तरह जॉब भी कहाँ करना है और आपकी खुद की सोच क्या है और आपकी खुद की करंट फाइनेंशियल पोजिशन क्या है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप एक इस छोटे बिजनेस में ही जॉब करें, और अगर आपको एक सिक्योर और जॉब चाहिए जिसमें आपको स्टेडीली ग्रोथ मिलेगा, जैसा आप आज समझो 25 इयर्स में ज्वाइन करते हैं और जब आप 40-50 तक पहुँच जाओगे तो काफ़ी आप अच्छे पोजिशन पर पहुँच जाएंगे। तो ये सवाल मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था, तो मैंने आज सोचा कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं और मेरे जो व्यूज़ है, जो मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और थैंक यू गाइस। कुछ आपके कमेंट्स हो इसके बारे में तो ज़रूर मुझे लिखना फिर से। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, बाय बाय।